पहले ही उन लोगों ने चिन्हित कर लिया सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, उनकी बैठक करवा ली यहाँ पर और आपको एक बार हम लोग ब्रीफ कर दे रहे हैं। और इसका तात्पर्य यही है कि आपका काम अब कल से शुरू हो गया, और काम शुरू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आप अपना जो रेगुलर वर्क है उसको छोड़ देंगे और यही काम करेंगे, क्योंकि अभी जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता है आपको बस ये इंश्योर करना है कि हफ्ते में आप मिनिमम एक दिन या दो दिन आप अपने अपने जो सेक्टर्स दिए गए हैं उसके फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आप लगाएं। सबसे पहले जब तक इलेक्शन अनाउंस होता है तब तक आपके पार्ट पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला से कंसल्ट करेंगे 27 पॉइंट्स जिसकी चर्चा अभी की जा रही थी, और बेसिक रूप से 5 पॉइंट्स जो फॉर्मेट में हम लोगों का दिया हुआ है उसका विशेष रूप से जानकारी लेंगे, और एरिया जिस एरिया में जिस पोलिंग स्टेशन में हम लोगों का वर्क होना है पोलिंग होना है वहां पर जो वोटर्स हैं उन वोटर्स के बारे में उनकी स्थिति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी है। इसके लिए लोकल लेवल से ही हम लोग को पता करना हो, कुछ लिस्ट हम लोगों को मिलेगा और मिलता था कि क्रिटिकल बूथ है आपका जो मिला हुआ है, सो एक किसी का खास पार्टी का डोमिनेटेड एरिया है या किसी खास कास्ट का वर्चस्व है या खास रिलीजन का वर्चस्व है, मतलब क्रिटिकल का कारण कुछ भी हो सकता है, ये लिस्ट हम लोग को मिलेगा, और नहीं भी मिलता है और पता चलता है तो उसकी जानकारी भी हम लोगों को देनी है। इसके अलावा विजिट का भी आई थिंक कम से कम 4-5 विजिट हम लोग को करना पड़ता है, हर विजिट का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है इस फॉर्मेट जितना बार का इंस्ट्रक्शन होगा उतना बार का रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और बीएलओ से रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे। किसी भी तरह का अप्रत्याशित घटना घटती है उस एरिया में तो उसकी जानकारी लेकर कंसर्न जो है उनको अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। आपको जो दिया हुआ है 9 पॉइंट्स का आप लोग उसमें पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्री पोल में, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि आप हर एक बूथ को उसके पूरे रूट चार्ट को वेरीफाई करते हैं कि यहां से अगर पोलिंग पार्टी निकलेगी ईवीएम लेकर तो किस रास्ते से होकर वो क्लस्टर तक पहुंचेगी, फिर वहां से किस रास्ते से होकर बूथ तक पहुंचेगी, वहां जाने का रास्ता पे कौन सी गाड़ी चल सकती है, पूरा रूट का जो वेरिफिकेशन होता है या कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो गया तो हमारे पास अल्टरनेटिव रास्ता कौन सा अवेलेबल है। इधर से हम गए ए रूट से हम गए लेकिन वापस लौटती के टाइम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि ए रूट से हम वापस नहीं आ सकते तो उसका अल्टरनेटिव बी रास्ता क्या है, ये सारा आप अभी वेरीफाई करेंगे ड्यूरिंग द प्री पोल एक्टिविटी। सेक्टर ऑफिसर्स उसमें से कोई बता सकता है वल्नरेबल बूथ्स के बारे में, पिछली बार आप लोगों ने किया होगा वल्नरेबल बूथ्स को अलग छाटा होगा कि ये बूथ हमारे वल्नरेबल हैं, छाटा था कि नहीं छाटा था, 14 के जनरल इलेक्शन है सब लोग बहुत थक गए हैं लग रहा है, हाँ नहीं कुछ बोलिए, छाटा था नहीं छाटा था या कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को, नहीं वल्नरेबल बूथ्स वाला काम नहीं किया था।